अब हम गरीब आदमी हम कहाँ से इतना सब कुछ, अब बताइए हमें क्या कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए ना इस बात को कि हम गरीब इंसान है, गरीब इंसान को कभी ये तो मानना चाहिए। जब लड़की उनकी पसंद है तो वे करते क्यों नहीं रिश्ता, आते क्यों नहीं मौके पे। अगर उनकी गलती बस ये है कि हम करना चाहते तो आगे बोल दो। ठीक है, बस ये बात उन्होंने मुझसे करी, फिर फोटो खिंचवाए, बातचीत फिर भी हुई। भाभी ने भी, मेरी भाभी बैठी हुई, इन्होंने भी कहा था कि भी तुमको लड़की हमारी ननद पसंद है। उन्होंने कहा हाँ जी सब कुछ ठीक है। फिर मतलब हमारे जो लड़की की मम्मी है उन्होंने ये भी कहा था कि कोई बात नहीं, अब हमारी दिल की भी जो थी डर था वो निकल चुका है, अभी हमारी लड़की ने लड़की को पसंद कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब शादी की तैयारी कर लो। पापा को भी कहा कि शादी की तैयारी करो सब अच्छी तरीके से। बस और आज क्या कुछ जवाब मिलता है? फोन ऑफ कर दिया है उन्होंने? हाँ जी फोन ऑफ कर दिया, ग्रुप ब्लॉक कर दिया है। फोन भी उठाते हैं, अगर जब नहीं बुलाते हैं हमारे भी नहीं आते हैं। उनकी ये बात है बस। और देखो जब से रिश्ता हुआ ना, एक साल से उनका रिश्ता हुआ है, तब से आते जाते थे, और जब से मतलब उन्होंने 2 तारीख का टाइम रखा था, 2 नवंबर का, कहते हैं हम 2 नवंबर को हम तारीख फिक्स कर दिए और हम 2 नवंबर को हम शादी कर देंगे। और फिर 2 नवंबर के बाद बोल रहे हैं, कहते हैं हमारा लड़का भी मानता नहीं है और हमें डर है कि कहीं वो शादी के बाद हमारी लड़की के साथ ना बोल रहे तुम्हारी लड़की के साथ। तो फिर कहा कि और हमारी जो मम्मी है उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अपना डर निकाल लो, लड़के को घर पर लेके आ जाओ। मेरे लड़के को घर पर लेके आए, उसके बाद भी सब कुछ अच्छी तरह बैठे बोले, सब कुछ बाकी फोटो खींचे, मेरे सामने सब कुछ हुआ। और फिर उसने सब कुछ 1000 रुपये में शगुन के दे गए, हमने भी 3100 रुपये उन्हें दिए। पर उसके बाद भी यहाँ चले गए, बोला कि लड़की हमारी पसंद है, उनका रिश्ता पहले लोनी में हो रहा था, लोनी हो रहा था रिश्ता, तो उन्होंने वहाँ से कहते कि हमने आपकी लड़की के लिए रिश्ता हटाया वहाँ से, हमें वो लड़की अच्छी नहीं लगी, इस करके हमें अच्छी लगी, हमें यही लड़की चाहिए थी। और फिर यहाँ पे रिश्ता करने के बाद फिर मैं वहाँ गई जिंजाना यूपी, वहाँ पे रिश्ता करने के बाद उन्होंने वहाँ भी इसी तरह लड़की के साथ फोटो खिंचवाई, लड़के ने शगुन दिए 1000 रुपये। उसके बाद फिर भी हमें पता लगा, हमने से कोई बात नहीं, ऐसे सब बोलते होंगे दुनिया वाले, कोई सब कुछ कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। तो फिर सब ने बोला, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास भी रिश्ता पक्का कर गया है ना, तो हमारे साथ में करेंगे। इस आज क्या कुछ लड़के वालों के द्वारा कहा गया, आप लोगों ने फोन करने की कोशिश की? हाँ जी फोन भी किया, हर जगह से हमें ब्लॉक कर रखा है, हमने जहाँ भी मर्जी बुलाया वे हमारे घर पे नहीं आना चाहते, हमने कहीं और ही बुलाया, हमें कोई नहीं आता हमें घर पे। पहले कभी उन्होंने इनकार किया था इस शादी से? नहीं, उनकी सबकी मर्जी थी, 2 तारीख फिक्स हुई थी उनकी 2 नवंबर की, फिर भी सब कुछ होने के बाद भी फिर बोला कि हम आगे कर देंगे तारीख, थोड़े 15-20 दिन का हमें टाइम दे दो। हमने 15-20 दिन का टाइम दिया, उन्हें हमारे कार्ड भी छप गए, हमारे हलवाई वगैरह सब कुछ फिक्स हो गए, हमने जैसे मर्जी करके उनके शोरूम से, उनका लकड़ी का शोरूम है, उनके शोरूम से हमने बोला कि सामान उठा लेंगे उनकी पसंद का। फिर भी उनके हमें पता लगा बाद में कि उन्हें कार चाहिए, उन्हें 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए, उनकी ये राय थी। अब हम गरीब आदमी हम कहाँ से इतना सब कुछ, अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। उन्हें देखना चाहिए ना इस बात को कि हम गरीब इंसान है, गरीब इंसान को कभी ये मानना चाहिए। जब लड़की उनकी पसंद है तो वे करते क्यों नहीं रिश्ता, आते क्यों नहीं मौके पे। अगर उनकी गलती बस ये है कि हम करना चाहते तो आगे बोल दो ना, जवाब दे कर जाते ना लड़की देखते फिरे। हाँ हमारे साथ लड़की की माँ जगह जगह घूमने हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने जो दुल्हन है और जो उनकी भाभी है उनसे बातचीत की, और उन्होंने बताया कि खुद लड़का जो है यहाँ पर आता है, लड़की को पसंद करके जाता है, सगन दिया जाता है, बात पक्की की जाती है, कार्ड छप जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, रिश्तेदार घर पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद जो दूल्हा है वो घर पर नहीं पहुंचता है, और जो परिवार के लोग हैं, दूल्हे के परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा फिलहाल ये कहा जा रहा है कि दूल्हे को जो लड़की है, लड़के को यानी कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, वो पसंद नहीं है, और इसी वजह से जो है वे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पर लड़की की माँ भी मौजूद है, हम एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपसे भी बातचीत हुई होगी, समझ सारी बात हो गई। हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ तफज्जुल हुसैन, आप लोग देख रहे हो TL गैलरी। ये वीडियो बहुत लंबे है, आपको तकरीबन 27-28 मिनट का होगा ये वीडियो, तो उतना लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने लिया कार्नल ब्रेकिंग न्यूज़ फेसबुक पेज से, वहीं से मैंने लिया। ये बहुत दर्दनाक विषय है जो गया काल 20 तारीख में, एक शादी देखिए है, एक लड़की का शादी सामने है, उसी तारीख में तय हुआ है, हलवा मिठाई सब कुछ, लोग आ मेहमान आ चुका है, और उस वक्त ये लड़की का जो शादी होने वाला था वो लड़की का शादी नहीं हुआ, ब्रेक हो गया, यानी लड़का नहीं आया। लड़का को 5 लाख एडवांस चाहिए, फिर बड़े कार चाहिए,
वो सब बहुत कुछ है डिमांड। आप लोग इस वीडियो को मैं लिंक पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पूरा देखना है तो देखिएगा। कर्नल ब्रेकिंग न्यूज़ फेसबुक पेज की है। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्या हो रहा है, ये हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है? आखिर में तो हमारा देश है इंडिया है, और इंडिया का अंदर ऐसा क्या हो रहा है? बहुत अफसोस की बात है। दहेज के लिए जो लोग, जो लड़के लोग दहेज के लिए लड़कियों को इतना परेशानी करता है, लड़कियों गरीब है, गरीब हो या धनी हो, आप लोग क्यों भिक्का मांगते हो यार? शर्म करो, शर्म करो, डूब जाओ, मर जाओ साले, डूब जाओ। तुम लोग का बदन पे मर्दांगी नहीं है क्या? तुम लोग क्या भिक्का मांग के तुम लोग शादी करोगे? बहुत गुस्सा आता है इन लोग के ऊपर। तुम लोग क्या भिखारी बन चुके हो? तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो यार? किसी का लड़की, इस लड़की का साथ एक साल से रिलेटिव है जैसे सुना गया है, जो फोटो खिंचवा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में नहीं आ रहा है। क्यों क्यों डर गए हैं? बहुत गंदी जवान आते हैं दिल से, बहुत बुरी बुरी बात आना चाहते हैं तुम लोग का ऊपर। लानत हो तुम्हारे ऊपर। इसे लड़की लड़कियां हर किसी घर में है। इन लड़की का, इस लड़की का अभी हालत क्या होगा? इस लड़की को कौन वो क्या करेगा? क्यों शर्म नहीं है? मर्द नहीं है? बीवी को शादी करने का वक्त तुम लोग मांग के लाते हो। ससुराल से क्या तुम लोग चलोगे? ससुराल की गाड़ी में चलोगे तुम लोग? किसी किसी लड़के बाइक चाहिए, ये चाहिए, कार चाहिए, साले भिक्का मांगते हो साले लोग। तुम लोग भिखारी हो क्या? रास्ते पे बैठ जाओ, टवाल लेके पैसा मांगो, फिर वही अच्छा है, बेहतर है। लेकिन लड़की लोग को शादी करने के लिए तुम लोग दहेज मत मांगो। मैं गौरव से कहता हूं, आज तक ऐसा हमारे असम में नहीं सुना यार। आज तक ऐसे दहेज के लिए मैं कभी नहीं सुना हूं जो एक लड़की को ऐसे ब्रेक हो जाता है, शादी शादी में लड़का नहीं आता है। शर्म करो, शर्म करो, ऐसे मत करो। और यहां जहां भी हो इसको रोको तुम लोग। मैं आज पहली बार ये सब देखा हूं, ये वीडियो देख के मेरा गांव का नूम खड़ा हो चुका है यार। ये क्या हो रहा है? आप सबको पता ही है दहेज लेना या देना दोनों भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो ये क्यों नहीं बंद करते हो यार? तुम्हारा घर के की बच्चा पैदा नहीं होगा, लड़की पैदा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं यहां आके देखा हूं। बहुत लोगों ने कहता है यार हमारा बहन को शादी देते हुए 7-8 लाख 10 लाख खर्चा कर दिया। ऐसे में भी फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर लड़का को भी खुश नहीं कर पाया। बहुत दिन बाद ऐसे लड़का शादी करने का बाद भी भेज देता है बीवी को, जा ये लेके आ, वो लेके आ। पुलिस से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस लड़की का घर वालों को। इस लड़की के साथ में जाओ आप लोग, सपोर्ट करो इस लड़की को, आगे पीछे सब लोग सपोर्ट करो। और इस लड़की को, उसी लड़की को, लड़के को दो जिस लड़के ने बगैर दहेज के फ्री में दिलवाओ। मैं सबको कह रहा हूं ये सब मत करो। ये वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को कान खड़ा हो जाए। और हम लोग जैसे मर्द है, लड़का है, शादी का पहले अपने ऊपर खड़ा हो जाओ। लड़की का डिमांड मत करो, तुम लोग ठीक हो जाओ। तुम लोग लड़की से वो मत करो, तुम्हारा घर में भी बहन है, सोचो तो। अगर तुम दूसरा लड़की को ऐसे कर रहे हो, तुम्हारे घर के भाई बहन भतीजी तुम्हारे घर में ही तो पैदा होगा ना बच्ची, ना नहीं होगा, कभी तो होगा, उसको ऐसे कैसे दुख दोगे यार? तुम लोग पैसा को या दहेज को शादी करते हो या लड़की को शादी करते हो, बताओ? तुम लोग पैसा को शादी करते हो ना? ऐसे शादी वाले को ठुकरा देंगे हम लोग, ठुकरा देंगे, नहीं देंगे। जो दहेज मांगता है उसको मत दो, ये हराम है, हमारे इस्लाम में कहा है ये हराम है, ये अजायज नहीं है। ये नहीं भाई, इस्लाम में भी दहेज चल रहा है। इस्लाम तो मानता कहता है बड़े बड़े लोग, लेकिन इस्लाम को सही तरीके से मानता नहीं है, फ्लो नहीं करते हैं। तो ऐसे दहेज इस्लाम में भी है, हर किसी धर्म में भी है। क्यों दहेज बंद करो, समाज से इसको हटाओ। लड़की को शादी कर रहे हो, लड़की को करो, दहेज को मत करो। आपका प्यार किस में है, मोहब्बत किस में है, बीबी पर रखो। दहेज पे देख के आप शादी मत करो, ठीक है दोस्तों? गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, बुरा लगा तो माफ कीजिएगा, ठीक है? और
ऐसे समाज से इसको हटाओ वरना समाज बर्बाद हो जाएगा। बहुत सुना हूँ मैं जो ऐसे हो रहा है बहुत दिन, लेकिन आज आंखों के सामने इस वीडियो में देखा हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैं अगर सुनाऊंगा तो 27-28 मिनट का वीडियो है। हाँ, तो इन माँ का भी वीडियो क्या कहना है, माँ का थोड़ा सुना लूँ, है ना? माँ क्या कह रहा है? जवाब नहीं दिया, दहेज की मांग करी थी। जी दहेज की मांग कर रहे हैं, हमें तो ये विचार दिए हो विचार। अब बताओ गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे इतना? क्या अगर क्या कुछ मांगा था दहेज में? कार मांग रहे, करेटा गाड़ी मांग रहे जी, सामान मांग रहे, पूरा गली का सामान चाहिए जी ना, बड़े बड़े वो चाहिए, मतलब जो भी देना का हो सारा कुछ ना, सारा कुछ अच्छा चाहिए जी। लेकिन हमारी बात एक साल से चल रही थी रिश्ते की, लेकिन हमारी लड़की ने एक साल से पसंद कर रखी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की। आज यानी कि 20 दिसंबर को बारात आनी थी और शादी होनी थी, लेकिन दूल्हा जो है वो नहीं आता है। और परिवार के लोगों का, क्योंकि जैसा कि हमें लड़की के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी बताया कि दहेज की मांग जो है वो की जा रही थी, एक बड़ी गाड़ी और कैश जो है, महंगा सामान जो है वो मांगा जा रहा था, जिसके लिए परिवार के लोगों द्वारा जब कहा गया कि हम आपको छोटी गाड़ी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी जो है रिश्ते से इनकार करते हुए नजर आए जो लड़के पक्ष के लोग हैं।